हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है 10 वीडियोस आउट ऑफ फैब्रिक स्क्रैप्स। तो इस वीडियो में मैं कुछ और शेयर करने वाली थी, लेकिन एक अर्जेंट ऑर्डर आया कि ब्राइड को अपने लहंगे के मैचिंग का एक पोटली बनाना है, वो भी स्पेशियस, जिसमें कि वो लिफाफों के साथ कुछ अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी रख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बेस लिया है वो है लगभग 7 इंच बेस की पोटली। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आई होप कि ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैंने बेस ले लिया है जो मुझे साइज़ चाहिए। उसके बाद न्यूज़पेपर की हेल्प से कि मुझे कितना फैब्रिक चाहिए, मैं इस तरीके से मेज़र कर लूँगी। और यहाँ पर कम से कम हाफ हाफ इंच दोनों साइड, 1 इंच आपको छोड़ना है। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे से फोल्ड कर रही हूँ, जो कि स्टिचिंग में जाएगा। एंड टॉप से थोड़ा आइडिया ले रही हूँ फोल्ड करके कि एटलीस्ट मुझे कितना जो लॉन्ग में है डेप्थ के साथ मुझे पोटली बनानी है। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी पोटली कितनी बड़ी बनेगी। सो यहाँ पे मैंने हार्डली हाफ मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक लिया था एंड सारी कटिंग्स उसमें आ चुकी हैं। तो ये है टॉप का फैब्रिक जिसमें कि हम लेसेस लगाएंगे। नेक्स्ट ये जो कटिंग है ये है पॉकेट के, जो हम पॉकेट ऐड करेंगे। एंड उसके बाद आता है बेस। बेस के लिए मैंने यहाँ पे 3 पीसेस लिए हैं क्योंकि बेस हमें हैवी करना है। तो इसमें मैंने एक लाइनिंग लगाई है, आप चाहें तो फॉर्म शीट या कुछ भी लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ली है ये लाइनिंग के लिए। अब लाइनिंग के लिए फैब्रिक थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने इसमें एक और छोटा सा स्क्रैप ऐड किया ताकि मैं इसको एग्जैक्ट जो मुझे मेजरमेंट चाहिए उसके हिसाब से मैं कर लूँ। तो अभी सब चीज़ें कटिंग हो चुकी हैं। अभी सबसे पहले मैं पॉकेट रेडी करूँगी, जिसके लिए इसको चारों तरफ से स्ट्रेचिंग करनी है एंड मेन फैब्रिक में मैं अटैच करूँगी। तो यहाँ पे टॉप एंड बॉटम से मैं फोल्ड कर रही हूँ ताकि मुझे आइडिया आए कि पॉकेट मुझे कहाँ रखनी है। जो बेस है उसको आप चाहें तो क्विल्टिंग के साथ प्लेन रख सकते हैं, बट मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा लेस ऐड करूँ। तो उतना कम ब्रॉड वाला मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल लेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि इस तरीके से कम्प्लीट हुआ है। बेस के बाद अब हम रेडी करेंगे मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेस मैं लगा रही हूँ उसको मैं पहले पिनअप करूँगी और इतना नीचे स्पेस छोड़ूंगी क्योंकि मुझे ये बेस के साथ फैब्रिक जाएगा, अदरवाइज़ लेस भी उस सिलाई में आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपको प्लेस करना है। यहाँ पे मैं आइडिया ले रही हूँ कि मुझे कैसा डिज़ाइन चाहिए, कितने कितने लेसेस आ पाएंगे। तो अभी मैंने कुछ ही लेसेस प्लेस किए हैं। अब हम सबसे पहले थ्रेड पास करने के लिए स्पेस बनाएंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं बट मैं चूज़ कर रही हूँ सबसे इजी। तो मैंने सेंटर पार्ट ले लिया है और इस तरीके से एक चौड़ा लेस लिया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर इसी के फैब्रिक का बना सकते हैं, बट मैं लेस से कर रही हूँ ताकि वो अच्छा लगे। लेस के दोनों एंडिंग्स को मैंने बहुत अच्छे से फोल्ड करके इस तरीके से मैंने दोनों पोर्शन में जहाँ सेंटर से है पिनअप कर लिया है। अब हम इसमें बाकी डिज़ाइनिंग डालेंगे। मैंने यहाँ पर फिनिशिंग का बहुत ध्यान दिया है, पूरी डिटेलिंग के साथ और फिनिशिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से अटैच करके मैंने सिर्फ टॉप से इसको स्टिच किया है, दोनों साइड से नहीं किया है, क्योंकि अब जो ये हमें और लेसेस लगानी है उसको हाइड करने के लिए हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए था। तो बस अब मैं ये छोटी छोटी लेसेस को इस तरीके से प्लेस करूँगी इक्वल डिस्टेंस के साथ। और आप चाहें तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं होल्ड कर रही हूँ आप भी होल्ड करके रख सकते हैं, और चाहें तो आप लेस ना लगा के मार्क कर सकते हैं, बट मेरा थोड़ा अलग था तो मैंने इस तरीके से इसको फाइनल किया है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लग गई हैं। अब हमें इस जो लेस लगी है उनके दोनों एंड्स को हाइट करना है। तो बस अब यहाँ पे हम स्टिच कर देंगे तो टॉप से भी फिनिशिंग आ जाएगी। और ये जो बॉटम का था ये लेस मुझे उतना पसंद नहीं आया तो मैं इसको हटा के दूसरा लेस लगा रही हूँ, तो वो भी इस लेस के एंड में इस तरीके से फिनिशिंग कवर करते हुए हम इसको अटैच करेंगे। तो ये रेडी हो जाने के बाद आपको इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देना है। उसके बाद हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। बेस लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो दोनों फैब्रिक है उसको उल्टे तरफ से आपको टर्न करना है इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमारा बेस था आपको इस तरीके से पिन की हेल्प से सिक्योर कर लें ताकि आप स्ट्रेचिंग करना ईजी हो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट मैंने इसकी लाइनिंग बनाई है सेम उसी मेथड से, पोटली अटैच की है यहाँ पे। अब इसको अटैच करने के लिए आपको मेन लाइनिंग को उल्टा करना है, उसके अंदर सीधा पोटली डालना है
और इस तरीके से होल्ड करते हुए आपको पूरा राउंड स्टिच करना है, बट थोड़ा पोर्शन छोड़ना है क्योंकि आप इसको सीधा करेंगे। सो मेरा पोटली कंप्लीट होने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसमें हैंडल भी लगना था और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। तो आप हैंडल इसी टाइम पर लगाएं लाइनिंग अटैच करने से पहले, उसके बाद लाइनिंग लगाएं सेम मेथड से। उसके बाद स्टिचिंग करके आपको लेस लेके कवर कर देना ताकि जो भी स्टिचिंग है वो सब छुप जाए। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने आपको बोला कि मैं हैंडल भूल गई थी, तो मैं हैंडल अब लगा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन इस तरीके से आपको दोनों थ्रेड की ओपनिंग के बीच का पोर्शन चूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है और यहाँ पे मैं जो बेल्ट है जो कि मैंने लेसेस से ही बनाई है और बहुत ईजी है, सेम मैचिंग का बना है। तो वेदर चेंज की वजह से गला बहुत ख़राब है। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो रहा हो और ये आवाज़ डिस्टर्ब ना कर रही हो। सो मैंने जो हैंडल बनाया है वो इसी के लेस से, ताकि बहुत परफेक्टली मैच हो जाए। तो सिंपली आपको फैब्रिक लेके बेल्ट जैसा बनाना है और लेसेस को लगा देना है उसके ऊपर फिनिशिंग के साथ। उसके बाद इस तरीके से मैंने यहाँ अटैच किया और ये हमारा हैंडल बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम लगाएंगे टैसल्स। और पोटली में जो आप थ्रेड लगाते हैं कई बार बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से इसकी दो ओपनिंग्स थी, एक ओपनिंग में आप पूरा थ्रेड राउंड करके लेके आएंगे, सेकंड वाले ओपनिंग को लेंगे और उसमें भी एक नया थ्रेड सेम लाके यहीं से निकालेंगे। तो आपका जो पोटली है बहुत परफेक्ट बनेगा। अभी जो टैसल्स हैं बहुत ईजी हैं और इसमें बहुत नए मेथड से मैंने सीखा है। तो सिंपली आपको एक स्क्वायर पे फैब्रिक लेना है और इस तरीके से आपकी थ्रेड को प्लेस करके स्टिचिंग कर देनी है। जब हम स्टिचिंग कर लेंगे उसके बाद इस तरीके से आपको होल्ड करके उसको सीधा कर लेना है। बेसिकली सीधा करके कुछ इस तरीके से होल्ड करना है कि जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट था वो इस तरीके से बाहर आ जाएगा और आपको यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है। उसके बाद जब आप इसको टर्न करेंगे तो प्रॉपर बिना किसी थ्रेड के बहुत फिनिशिंग के साथ आपका ये टैसल निकल के आएगा और अंदर से भी कहीं से भी आप देखेंगे बहुत फिनिशिंग आ जाती है। तो ये बहुत सिंपल लग रहा था, सो आई डिसाइडेड कि चलो कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म का जो रोज़ेस आते हैं वो लिया, कुछ पर्ल्स लगाए और इस तरीके से मैंने लास्ट में फिनिशिंग दी है और हमारा पोटली बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया। ब्राइड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि देखने में हैवी हो बट वैसे लाइट वेट हो, स्पेशियस हो, तो मैंने पूरा ट्राई किया है। मैं साइड में पिक्चर लगाऊंगी, मैंने कोशिश की कि मैं आउटफिट के साथ मैच करूं। तो इस तरीके से कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।